तरति पापादिकम यस्मात्, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य पाप आदि से मुक्त हो जाए उसे तीर्थ कहते हैं। पवित्र भारत भूमि का अनुरेणु तक तीर्थ स्वरूप है। जिस प्रकार शरीर के मस्तक, चरण आदि कुछ अंग पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार इस भूलोक पर भी कुछ स्थान पवित्र ही नहीं महापवित्र माने जाते हैं। ऐसे स्थान ही तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ शब्द का एक अर्थ पवित्र करने वाला भी है। संसार एक भवसागर है। इस भवसागर को पार करने का तीर्थ एक साधन है। इसलिए मानव मन को तीर्थ करने की उसकी अंतरतम की भावना हमेशा उसे उकसाती रहती है, तब वो निकल पड़ता है तीर्थ की ओर, शांति और सत्य ज्ञान को प्राप्त करने, अपने इष्ट के दर्शन के लिए। हमारे जीवन में भी एक ऐसा ही क्षण तब आया जब हमें पता लगा कि ज्ञान संप्रदाय के सप्तम कुवीराचार्य परम पूज्य गुरुजी श्री अविचल दास जी महाराज ने जीवन को पवित्र कर देने वाले महातीर्थ अमर ताड़म की पदयात्रा का आयोजन किया है। तब हम भी अपने आप को रोक ना सके और पहुंच गए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी की ज्ञान स्थली गुरुगादी सारसापुरी में। पूरे विश्व को अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों के अंधकूप से निकालकर ज्ञान के, सत्य के प्रकाश से आलोकित करने वाले परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी सर्जनहार के परम विशेष अंश के रूप में इस धरा पर आज से 250 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। सर्जनहार के गुणतम रहस्यों को उन्होंने ज्ञान के माध्यम से जनमानस को सरल सहज रूप में समझाया। इस मानव जाति का कल्याण करने वाले परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी ने सर्जनहार अर्थात जिसने सृष्टि की रचना की है उसे किसी विशेष सगुण रूप में आबद्ध नहीं किया, बल्कि सर्जनहार प्रदत्त इसी प्रकृति के सजीव स्वरूप में उसके अंश की अनुभूति करवाई। सर्जनहार इस संपूर्ण सृष्टि में सभी देहों में अंश रूप में विद्यमान है। प्रकृति के हर प्राणी में व्याप्त अंश को ज्ञान के माध्यम से सर्जनहार का साक्षात्कार कराना ही परम गुरु का उद्देश्य है। माया के इस चक्र से निकलकर जीव ज्ञान के द्वारा अमर पद को प्राप्त हो, उसका कल्याण हो, इसी भावना को लेकर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी 6 द्वीपों में कल्याण करते हुए इसी जम्बू द्वीप में प्रकट हुए। परम गुरु की तपस्या एवं ज्ञान की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और धीरे धीरे सारसापुरी ज्ञान संप्रदाय की गुरुगादी के रूप में एक महातीर्थ बन गया। परम गुरु ने संपूर्ण जगत को समझाया कि सृष्टि का कर्ता एक ही है, अनेक नहीं, वही नियामक है और हम सब में विद्यमान है। सर्जनहार करुणेश है, पक्षपात रहित है, वो किसी रूप में आबद्ध नहीं हो सकता। हमें उसी सर्जनहार की आराधना करनी चाहिए। तत्कालीन समाज में व्याप्त अनेकों आडंबरों, पाखंडों, थोथे कर्म कांडों को समाप्त करते हुए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी ने पंचम वेद को जनमानस से परिचित करवाया। परम गुरु भक्तों को कहा करते थे कि केवल मेरे चमत्कारों को देखकर ही मेरी पूजा ना करना, अपितु सर्जनहार के ज्ञान को सत्य मानकर ही मुझे याद करना। ज्ञान संप्रदाय में आज 4 महातीर्थ माने जाते हैं। उन्हीं में से एक महातीर्थ है गांव फाजलपुर के निकट अमर ताड़म। ताड़म गुजराती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में अनार होता है। और आज के इस युग में
पिछले 150 वर्षों से खड़ा यह अनार का अमर वृक्ष ही अमर दाड़म है। परम गुरु ने अपने आशीर्वाद से इस अनार के पेड़ को अमृतत्व प्रदान किया था, तभी से ये दाड़म अमर है। आज ये स्थान ज्ञान संप्रदाय का महातीर्थ बन गया है। जाति पाति भूलकर सभी वर्ण पंथ व संप्रदाय के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसे 150 साल पुराने अनार के वृक्ष से अपनी मनोतियां मानते हैं। ज्ञान संप्रदाय में इस पवित्र अमर दाड़म को परम गुरु का प्रसाद माना जाता है। विज्ञान को हैरान कर देने वाले इस परम पुनीत वृक्ष में परम गुरु की कृपा से 12 मासी फूल एवं फल लगे रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अनार के वृक्ष की आयु 15 से 20 वर्ष मानी गई है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में ज्ञान संप्रदाय के लाखों भक्तों को नव दृष्टि के साथ नव आयाम प्रदान कर रहे हैं सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज। अपनी स्वर्णिम संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति समाज जागरूक रहे, उसे ज्ञान संप्रदाय के वट वृक्ष की छाव में निर्मलता एवं शांति का अनुभव हो सके, इन्हीं विचारों को आधार बनाकर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी की लीला स्थली अमर दाड़म अर्थात अमरत्व को प्राप्त हुआ अनार का पवित्र वृक्ष, जो आज गांव फाजलपुर में स्थित है और ज्ञान संप्रदाय का महातीर्थ है। इस स्थान की पदयात्रा का परम पूज्य आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज ने निर्णय लिया। 27 फरवरी 2010 को ज्ञान संप्रदाय के भक्तों की ये विशाल पदयात्रा परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी के आशीर्वाद से ज्ञान संप्रदाय के महातीर्थ सारसापुरी से दूसरे महातीर्थ अमर दाड़म पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। सारसापुरी से अमर दाड़म की लगभग 60 किलोमीटर की इस पदयात्रा में 2500 पदयात्री थे। ये मात्र एक पदयात्रा ही नहीं बल्कि एक आह्वान था युवा वर्ग हेतु। अपनी परंपराओं और संस्कृति के प्रति युवाओं की श्रद्धा एवं आस्था अटूट बन जाए, उनके जीवन में अनुशासन का भाव जागृत हो जाए, उनके जीवन में राष्ट्र और समाज के प्रति प्रतिबद्धता हो, इन्हीं विचारों के साथ परम पूज्य आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज ने इन हजारों युवाओं को साथ लेकर अपनी पदयात्रा को आरंभ किया। उत्साह से भरे हुए कैवल धुन गाते हुए चल रहे युवाओं का ये विशाल समूह ये प्रमाणित करता है कि ज्ञान संप्रदाय में युवा वर्ग किस प्रकार अपनी संस्कृति के प्रति आकृष्ट हुआ है और आज उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया है। इन युवाओं का उत्साह और श्रद्धा भाव आज इस समाज को एक नवीन संदेश दे रहा है, संदेश समर्पण का अपने गुरुदेव के प्रति। अपने गुरुदेव के आह्वान पर ये युवा आज ज्ञान संप्रदाय के महातीर्थ अमर दाड़म की 60 किलोमीटर की पदयात्रा केवल इसलिए भी कर रहे हैं कि उन्हें परम पूज्य गुरुजी का न केवल सानिध्य मिले बल्कि सदाचारी जीवन जीने का मार्गदर्शन भी मिले, जिससे वो भी स्वयं को सच्चा मानव सिद्ध कर अपने आप को धन्य कर सकें। भोर की पहली किरण ने जब इस यात्रा को स्पर्श किया तब दूर दूर तक लगभग 3 से 4 किलोमीटर की लंबी कतार दिख रही थी, जिसमें केवल पदयात्रियों के समूह ही दिखाई दे रहे थे। उत्साहित, अनुशासित
प्रफुल्लित भाव से चल रही ज्ञान संप्रदाय की यह युवा शक्ति केवल अपने धर्म की ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की भी चिंता करती। यह युवा शक्ति आज ज्ञान संप्रदाय के विभिन्न सेवा कार्यों में जुट जाने की अलख जगा रही है। परम गुरु को मन में धारण किए इन युवाओं के अनुशासित जीवन में समर्पण का भाव ही इनकी पहचान बन गया है। आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज के पावन सानिध्य में अनुशासित भाव से चल रहे इन युवाओं की उपस्थिति यह भी दर्शा रही थी कि परम पूज्य गुरु जी के विचारों वे उनके तपों में जीवन से यह युवा कितने ज्यादा प्रभावित है। राष्ट्र में फैल रहे भटकाव के इस अंधकार में परम गुरु के ज्ञान के प्रकाश से आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज जनमानस को मानवता की राह दिखा रहे हैं। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर कर आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणाओं के द्वारा दीनहीन की सेवाओं के प्रति सभी को प्रेरित कर रहे हैं। ज्ञान संप्रदाय की गुरु गादी से आज अनेकों सेवाएं चलाई जा रही हैं। इनके साथ साथ अनेकों आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते रहे हैं, जिनमें परम पूज्य गुरुजी समाज के हर वर्ग को मानव धर्म एवं कल्याण की शिक्षाएं, प्रेरणाएं देते रहते हैं। परिणाम स्वरूप आज गुजरात राज्य में परम पूज्य गुरुजी के प्रति युवा वर्ग आकर्षित हुआ है। स्वच्छ विचार, स्वस्थ शरीर और धर्म एवं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत विचारों को युवा वर्ग आत्मसात कर रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का इन युवाओं पर से प्रभाव मिट चुका है। ज्ञान संप्रदाय में गुरुजी की निश्रा सदाचार तालीम युवा शिविर के माध्यम से प्रति वर्ष अवकाश के दिनों में परम पूज्य गुरुजी युवक एवं युवतियों हेतु 5 दिनों के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। गुरुजी की निश्रा कार्यक्रम विशेषकर युवकों हेतु आयोजित किया जाता है। ये कार्यक्रम वर्ष में 5 बार आयोजित होता है, जिसमें करीब 2000 युवा भाग लेते हैं। युवा शिविर के ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा युवक व युवतियों में धर्म अध्ययन के साथ साथ राष्ट्रीयता, स्वदेशी भाव और सदाचार की शिक्षा दी जाती है। अमर दाड़म की इस पदयात्रा के कार्यक्रम में युवा पदयात्रियों की संख्या को व्यवस्थाओं को देखते हुए मर्यादित किया गया है, अन्यथा इस पदयात्रा में ज्ञान संप्रदाय के युवा वर्ग का महासमुद्र उमड़ पड़ता। कड़ी धूप में अपने व्यवसाय, अपने कार्यों को छोड़कर सुख सुविधाओं की चिंता किए बगैर अमर दाड़म की पदयात्रा कर रहे इन युवाओं के समूह में ग्रामवासी, शहरवासी, वनवासी, गिरिवासी सभी भेदभाव मिटाकर केवल भारतवासी बनकर ये युवा भाई बहन साथ साथ चल रहे थे। यहाँ जाति पाति, ऊंच नीच की कोई भावना ही नहीं थी। भावना थी तो केवल अमर ताड़म के दर्शनों की। तेज धूप में चल रहे ये यात्री उत्साह की भावना से लबरेज रहे। हर कदम पर सत कैवल, जय जय कैवल की धुन को मन ही मन गाते निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। विभिन्न ग्रामों से होती हुई यह पद यात्रा पहुंची कोयली ग्राम में। कोयली ग्राम के निवासी एवं ज्ञान संप्रदाय के स्थानीय भक्तों ने परम पूज्य गुरुजी एवं यात्रियों का भव्य स्वागत किया। इस कोयली ग्राम में मुस्लिम बंधुओं ने भी परम पूज्य गुरुजी
आचार्य श्री अविचलदास जी महाराज के प्रति अद्भुत प्रेम दिखाया। ज्ञान संप्रदाय की इस यात्रा हेतु मुस्लिम बंधुओं ने अपने ताजिए की यात्रा को इस यात्रा के कोयली पहुंचने से पहले ही संपन्न किया और आचार्य श्री अविचलदास जी महाराज का आगे बढ़कर स्वागत किया। ज्ञान संप्रदाय में सर्वधर्म सद्भाव की भावना का ये उत्कृष्ट प्रमाण है। इस पद यात्रा में परम पूज्य गुरुजी की उपस्थिति से कोयली गांव के निवासी एवं ज्ञान संप्रदाय के स्थानीय भक्त अभिभूत थे। युवा वर्ग हेतु यह महातीर्थ यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उनके विचारों और उनके तपस्वी जीवन को देखने का भी यह विलक्षण अवसर कोई गवाना नहीं चाहता था। आचार्य श्री अविचलदास जी महाराज अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से विशेषकर युवाओं को श्रद्धा भाव, भक्ति भाव एवं सेवा भाव की समर्पित भावना का संदेश देते रहते हैं। कोयली से चलकर यात्रा का अगला पड़ाव हुआ अंकोड़िया में। पटाखों एवं पुष्प वर्षा करते हुए अंकोड़िया के भक्तों ने परम पूज्य गुरुजी की इस पद यात्रा का बड़े मनोभाव से स्वागत किया। अंकोड़िया के प्रबुद्ध नागरिक श्री घनश्याम भाई ने सभी यात्रियों हेतु दोपहर के स्वादिष्ट भोजन एवं विश्राम की सुंदर व्यवस्था की। तीर्थ का महत्व तब और बढ़ जाता है जब शिष्य को गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, और ऐसा ही हुआ अमर ताड़म की इस पद यात्रा में। जहां एक ओर आज का युवक पाश्चात्य सभ्यता की अंधी गलियों में घूमकर अनेकों बुराइयों के द्वारा अपने जीवन को दूषित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गुजरात की इस चरोतर भूमि पर स्थित ज्ञान संप्रदाय का ये युवा वर्ग परम गुरु श्री करुणा सागर जी की मूर्ति अपने मन में स्थापित कर उनके ज्ञान पथ पर भरी दोपहरी में भी नंगे पांव चल रहा है। ये श्रद्धा और भक्ति का ही परिणाम है कि नंगे पांव चल रहे इन जिज्ञासुओं को परम गुरु के दर्शनों की आस है, विश्वास है। तेज धूप में चलते इन पदयात्रियों के पैरों में छाले थे, पर आत्मिक प्रसन्नता थी कि अमर दाड़म के दर्शन पाकर जीवन धन्य होगा। परम पूज्य गुरुजी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहेगी और जीवन में चलते रहने का ये क्रम सदैव सत्य के पथ का अनुगामी रहेगा। यात्रा आगे चलती रही, बढ़ती रही। भक्तजन श्रद्धा के भाव में डूबे प्रणाम करते रहे। इन ग्रामीण भक्तों को यात्रा का एक ऐसा नजारा जीवन में पहली बार ही देखने को मिला। जब इतनी बड़ी संख्या में पदयात्री गांव से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, जब यह यात्रा सेवासी गांव पहुंची, तब पुनः हवाओं में पटाखों की ध्वनि गूंज उठी। गुरुजी के चरणों को स्पर्श करने हेतु भक्तों की श्रद्धा उमड़ पड़ी। पदयात्रियों के आने की प्रसन्नता केवल स्थानीय भक्तों को ही नहीं थी, बल्कि पदयात्रियों का जोश और उत्साह इन स्थानीय भक्तों को देख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता था। पदयात्रियों के विश्राम के अलावा उनके अल्पाहार का प्रबंध हर स्थान पर रहा। सेवासी से चलकर इस यात्रा की अगुवाई कर रहे परम पूज्य गुरुजी चल पड़े भाईली की ओर।
दीनहीन की सेवा को सर्वोच्च मानने वाले परम पूज्य गुरुजी के दर्शनों और अपने बच्चों को उनका आशीर्वाद दिलाने हेतु माताएं आती रहीं। उबड़ खाबड़ कच्चे पक्के रास्तों, खेत खलियानों को पार करते इस विश्व संत के मन को केवल एक ही विचार मथता रहा, मानवता की सेवा। विचार पर मंथन करते करते पद यात्रा का पहले दिन का अंतिम पड़ाव आ ही गया। भायली, स्थानीय भक्तों एवं ग्रामवासियों के द्वारा इस यात्रा के अद्भुत स्वागत का आयोजन अविस्मरणीय था। हर भक्त पूज्य गुरुजी के दर्शनों का अभिलाषी था, उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगाने को तरस रहा था। वातावरण में व्याप्त कैवल धुन और मधुर करतल स्वरों के बीच परम पूज्य गुरुजी ने भायली गांव में प्रवेश किया। भक्तों का भाव अपने गुरुदेव के प्रति फूलों की वर्षा के साथ उमड़ता रहा। भायली ग्राम के विभिन्न मार्गों से इन हजारों यात्रियों की पदयात्रा पहुंची संध्या कालीन उपासना स्थल पर। ज्ञान संप्रदाय में उपासना की अपनी एक अलग पद्धति है। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी, जो सर्जनहार के परम विशेष अंश हैं, ज्ञान संप्रदाय में उनकी ही उपासना होती है। उपासना स्थल पर पंक्तियों में बैठे ज्ञान संप्रदाय के भक्त अनुशासित भावना का परिचय देते रहे। उपासना में आरती हेतु लगभग 4000 दीपकों को इन अनुशासित भक्तों ने केवल 3 मिनट में ही प्रकट किया। भक्तों की इस विशाल संख्या में आरंभ से अंत तक केवल 3 मिनट में हजारों दीपकों के प्रकट होते ही ज्ञान संप्रदाय के भक्तों की भक्ति का अलौकिक प्रकाश ज्ञान और आनंद का महासागर बन गया। पदयात्रियों
एवं भक्तों का ये विहंगम दृश्य अद्भुत था। हजारों दीपकों की आरती होते हुए समय मानो ठहर गया था। इस दिव्य अलौकिक और आनंददायी आरती के माध्यम से हजारों भक्तों ने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी और परम पूज्य गुरु जी आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज को प्रणाम किया। अमर दादम दिव्य परम गुरु नो प्रगट तीर्थ छे जे प्रगट परचो कहवाय। अने दिव्य पुरुषो जे कई करता हो एनी पाछळ एमनो बहुज उमदा उद्देश होय। मानव समाज ने एक प्रेरणादायी एमनो हेतु होय। एक भाई मने पूछू कि डाडम ने अमर करी एटले चैतन्य अवस्थे तो बांधी दीधो ने बापजी, अने बीजे तो जवा ना मळे ने, बीजा शरीर नो सुख ना मळे ने। मैं कहूँ आपणे मानव शरीर सुख मेळवीने शुं मेळवाना छीए? बीजा तमाम जंगम घाटो में तो हर्ष राग द्वेष पाप पुण्य अने एमां गयेला अंशनी गति क्यारे थाय ए नक्की नथी। ज्यारे अमर दाडा मरेलो अंश राग द्वेष हर्ष शोक पाप पुण्य धर्म अधर्म बधाथी ज अलिप्त रह्यो छे, એટલે એક રીતે તેનો મોક્ષ જ છે ત્યાં। અને આપણા જેવા હજારો લાખો લોકો ત્યાં જઈને દર્શન કરે છે। સાથે સાથે એક નિશાની, પેલા ખેડૂતને થોડીક મનમાં શંકા જાગી, મેં તો મહેમાન ઓછા બોલાવ્યા, તને આટલા બધા આવી ગયા? આ સવારે એવું થયું હતું, આપણે તો રોડ ઉપર આવે, આપણે તો ગણેલા ફિક્સ છે કે ભાઈ 2500 લોકો છે, બાકી કોઈક જોવે તેમ લાગે કે 10000 માણસ હશે। આ સભા છે, ડબલ સભા હોય તો કોઈ કે લાખ થી ઓછા નહીં હોય। કાને માથા ગણવાનો છે કે કોણ સ્ક્વેર ફીટ ગણવાનો છે? એટલે એવી પેલા ખેડૂતને પણ થઈ ગયું કે આટલા બધા ભક્તો જશે ને મારું શું થશે? બાપજી એને ચોંટાડ્યો કે જો તું મારામાં વિશ્વાસ રાખ ને, ચિંતા શું કરે છે? અને બતાવી આપ્યું કે જે મારામાં વિશ્વાસ રાખે છે એ સેવા કરવા જાય તો એનું કશું ખૂટતું નથી। એ પ્રતિતિ કરી આપી। ત્રીજો મહત્વનો વિષય, અત્યંત વિષય, મનુષ્ય માટે વનસ્પતિ વૃક્ષ અત્યંત જરૂરી છે, અને વૃક્ષ પ્રત્યે પ્રેમ, વૃક્ષ પ્રત્યે ભાવ પેદા થાય, અંતે પૂજ્ય ભાવ પેદા થાય। પર્યાવરણની આટલી સમસ્યામાં વૃક્ષ, એની સમસ્યાને નિવારણમાં વૃક્ષનું બહુ મહત્વ છે, વૃક્ષનું બહુ મોટું મહત્વ છે। આપણે બધાને એ પણ સંકેત આપ્યો કે વૃક્ષોનું જતન કરો, વૃક્ષ નાશ ન થાય, વૃક્ષ ઓછા ન થાય। જો હું જ્યાં બેઠો તે વૃક્ષ નિશાની રાખીને આવ્યો છું, અમર છે એનું બધા તમામ પદયાત્રીઓ કહું છું, યાત્રા પૂરી કરીને જાઓ ત્યારે યાત્રામાં અમર ડાળને સંકલ્પ લઈને જજો કે હું પણ મારા જીવનમાં એક વૃક્ષ વાવીશ, એક વૃક્ષ તો ઉછેરી શકશે, જેટલો કાપીશ એટલો તો વાવી દઈશ, પણ વધારાનું એક વાવીશ। હા, પરમ ગુરુએ આપણને સંકેત આપ્યો છે, આ યાત્રામાંથી તમે જોયું ઘણું શીખવા મળે એવું છે। કેટલા બધા ભાવિકોએ કેટલું બધું સ્વાગત કર્યું તમારું, તમને કોઈ ઓળખે છે કઈ? લોકો પાણી માટે રોડ ઉપર લઈને ઉભા રહેતા, તમારા માટે નાસ્તાની વ્યવસ્થા, ભોજનની વ્યવસ્થા,
છા પાણીની વ્યવસ્થા. અને અહીં તો આખો આનંદનો દરિયો જોવા મળ્યો આપણને, ભાયલીમાં તો આનંદનો સમુદ્ર. આ બધી સેવા શીખવા મળે છે, સેવાની પ્રેરણા મળે છે. અમને થોડું થતું હતું એવું હા કે અમારા બધા મુરબ્બીઓ આજ્ઞાનવાન નહીં હવે અત્યારે, એટલે કેમ થશે. પણ આ નવી પેઢી અમારી બહુ જ સારું સાહપૂર્વક કામ કર્યું. જોકે જે ભાઈઓ બે ચાર પાંચ NRI છે એમણે પણ ત્યાંથી સંદેશોના આપી કે તમે કરજો ખૂબ, આ કે અમે કરવાના છીએ, તમે ચિંતા ના કરશો. આ એક સેવાની પ્રેરણા છે. અને એ પણ નક્કી છે ધર્મ માટે, ધર્મ અર્થે, પરોપકાર અર્થે તમે જે કંઈ વ્યય કરો છો, જે કંઈ વાપરો છો, એ બધું જ તમારા ધનનો ઉત્તમ ઉપયોગ છે. અને પરમગુરુના નિમિત્તે કોઈ પણ કાર્યમાં વપરાય, પણ નિમિત્ત પરમગુરુનું છે માટે પરમગુરુને પહોંચે છે. એટલે આપણને પાછું આપવાની જવાબદારી એમની થાય છે. પાછી યાદ રાખો, એમના નિમિત્તે આપી આપણે. અને એ તો કોઈનું દેવું રાખે નહીં, આપણને દેવાદાર બને, ઋણી આપણને બનાવે. આપણે એ કોઈ દિવસ આપણા ઋણી ના રહે, આપણે એમના ઋણી બનીએ. તો આ યાત્રા જેમ આપણને શિસ્ત શીખવા મળે, સંયમ શીખવા મળે, શ્રમ પણ ખરો, મહેનત તો પડે ને. હું ક્યારનો જઉં છું, વચ્ચે વચ્ચે હું રોકાઈ જઉં, પાછો બધાને જવા દઉં, પછી પાછો ચાલતો ચાલતો બધાને પાસ કરીને આગળ પણ આવું, જોઉં કે કોકના પગ આંટીમાં જાય છે કે રંટાય છે કે કેમ થાય છે. પણ એવા ખાસ જોવા ના મળ્યા, કાલે ખબર નહીં. પણ તમારી જાણકારી માટે કહી દઉં કે આજે આપણે 35 કિલોમીટર યાત્રા પૂરી કરી છે, આવતીકાલે 23 કિલોમીટર રહેશે. પૂર્ણિમા કે દિન ધવલ ચંદ્ર કી શીતલ છાંવ મેં બ્રહ્મ મુહૂર્ત કી વેલા મેં દૂસરે દિન યે યાત્રા ભાયલી સે આગે બઢી. આકાશ મેં ચંદ્ર કી જ્યોત્સના દિખાઈ દે રહી થી, વહીં દૂસરી ઓર इस यात्रा में परम पूज्य गुरुजी का सानिध्य हजारों यात्रियों को पूर्णिमा के इस चंद्र के समान शीतलता प्रदान कर रहा था. और फिर सूर्य की पहली किरण के आते ही यात्रा पहुंची चापड़ ग्राम में, जहां परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी का मंदिर है. परम गुरु जी का दर्शन पूजन कर यात्रा आगे बढ़ चली. परम पूज्य गुरुजी युवाओं के भविष्य के प्रति बड़ी गंभीरता से सोचते हैं. भारत के इन भावी निर्माताओं को वे सबल चरित्र, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ विचार का ही संदेश देते हैं. परम पूज्य गुरुजी के विचारों, उनके आह्वान और उनके द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों के फलस्वरूप आज गुजरात राज्य के हजारों युवक और युवतियां समाज में सेवा धारा हेतु आगे आए हैं. ये युवा अपने देश, समाज व धर्म की रक्षा हेतु उठ खड़े हुए हैं. इस पद यात्रा में इतनी बड़ी युवा शक्ति की भागीदारी ये प्रमाणित करती है कि ज्ञान संप्रदाय के द्वारा युवाओं हेतु गतिमान संस्कारित शिक्षाओं का इन पर कितना प्रचंड प्रभाव है. राष्ट्र भावना, चरित्र बल, नैतिकता और अध्यात्म जैसे विषयों पर इन युवाओं को परम पूज्य गुरु जी अपने प्रवचनों के द्वारा शिक्षाएं देते रहते हैं. उसी का ये परिणाम था कि इस मशीनी युग में भी ये युवा इस भीषण गर्मी में भौतिक सुखों को त्याग कर 60 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं. अपने गुरु जी के आह्वान पर
इन युवाओं का नंगे पैर यात्रा करना इनकी तपश्चर्या का भाव दिखा रहा था। पदयात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए और अमर दाड़म की इस यात्रा की उन्हें स्मृति रहे, इस हेतु सभी पदयात्रियों को टोपियां दी गई। दूर दूर तक इस पदयात्रा में इन पदयात्रियों के सिर पर रखी टोपियां ही चलती हुई दिख रही थी। और फिर इस पदयात्रा ने राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करके पोर नामक कस्बे में प्रवेश किया। चरई वेती जीवन चलने का क्रम तो है ही, उसे पहचानने का उपक्रम भी है। भक्त अपने इष्ट को याद करते हुए जब उस महातीर्थ पर पहुंच जाता है जहां उसके इष्ट विराजते हैं, तब उसके मन में प्रसन्नता के असंख्य भाव प्रकट होते हैं। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव भी आ पहुंचा, ग्राम फाजलपुर। परम गुरु वर्षों पहले इसी ग्राम में पधारे थे और इसी ग्राम के भक्त के निवेदन पर उन्होंने पवित्र अनार के वृक्ष के नीचे ज्ञान का उपदेश दिया था। आज फाजलपुर के स्थानीय भक्त और निवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ परम पूज्य गुरुजी के स्वागत हेतु आतुर हैं। और जैसे ही परम पूज्य गुरुजी का आगमन हुआ, हवाओं में पटाखों और करतल ध्वनि के साथ सत कैवल जय जय कैवल की गूंज सुनाई देने लगी। हर भक्त के मन में यही भाव था कि वर्षों पहले परम गुरु अपने शिष्यों के साथ इस स्थान पर आए थे और आज परम पूज्य गुरुजी के दर्शन ही इस स्थान पर हो रहे हैं। खेतों में स्थित अमर दाड़म का विशाल मंदिर और वहां से दूर दूर तक पदयात्रियों के आने का यह विहंगम दृश्य इस बात को प्रमाणित करता है कि अमर दाड़म की महिमा इन भक्तों के मन में कितनी गहराई से बैठी हुई है। अमर दाड़म के इस मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुजी ने श्रीमद करुणा सागर जी महाराज को प्रणाम कर उनकी आरती की। एक सौ पचास वर्षों से अखंड आनंद की अमृतत्व की समाधि लिए अमर दाड़म शांत भाव से सभी तीर्थयात्रियों को निहारता रहा, आशीर्वाद देता रहा और भक्त इसकी टहनियों को, इसके पत्तों को हाथ से छूकर मन ही मन श्रद्धा और विश्वास से यही मानते रहे कि मानो वो परम गुरु का ही स्पर्श कर रहे हों। भावुक मन से भक्त अमर दाड़म को निहारते रहे। परम गुरु के जिस रूप का दर्शन करने के लिए वो यात्रा कर यहां तक पहुंचे थे, वो रूप अब उनके समक्ष खड़ा था। अमर दाड़म अर्थात अनार के अमर वृक्ष को परम गुरु ने अमृत्व प्रदान कर वर्षों वर्षों तक के लिए इस पवित्र आत्मा को जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश के फेर से मुक्त कर दिया। और भावुक हृदय से भक्त यही सोचकर
अपना सर्वस्व अमरताड़म में स्थित परम गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है कि परम गुरु उसे भी जीवन के इस फेर से मुक्त कर पांचवी अखंड कैवल मुक्ति प्रदान करेंगे। प्रगट तीर्थना आशीर्वाद अनेक लोकने मळ्या छे अने गुरुगादीना जे ज्ञान संपदा चार महातीर्थ परम गुरु प्रगट भूमि बाल कुबेर अपनी गुरुगादी परम गुरु पंचम वेदी समाधि अने परम गुरु प्रगट तीर्थ अमर धाड़म अहीं परम गुरु प्रगट छे वसे छे तमे जे कोई श्रद्धा लेने आवशो ए श्रद्धा अहीं परिपूर्ण थाय छे। અને એટલે જ મેં અને વધારે મહત્વ આપ્યું છે કે આ ઉમદા તીર્થ પ્રગટ તીર્થ અને એનો લાભ અનેક અનેક લોકો લે પરમ ગુરુના શરણમાં આવેલા સૌ ભક્તો એમના મનોરથ પૂર્ણ કરે એવો બધાને લાભ મળે ભાવથી આ યાત્રાનું આપણે આયોજન કર્યું છે। સાથે વિશેષ અમારો યુવા વર્ગ જોડ્યો છે। મેં રસ્તામાં નોંધ કરી કે આટલા બધા યુવાનો છે, મારી આગળ ઘણા મોટા ભાગે ચાલતા હતા, પાણીના જ પાઉચ હતા, પડીકીઓના પાઉચ ખાસ જોવા નતા મળતા। તો મહત્વની વાત છે અને જે આમાં બેઠેલા લોકો છે અને કદાચ આ બીમારી હોય તો અહીંયા એને મૂકીને જ જજો। મેળદાડમ પરમ પ્રગટ તીર્થના આપણે એવા આશીર્વાદ મળે કે આપણા જીવનમાં કોઈ વ્યસન ના રહે અને યાત્રાથી એટલો ઉત્સાહ લો, ઉત્સાહ ભરીને જાઓ, જેના જીવનમાં ઉત્સાહ છે, જેના જીવનમાં ઉમંગ છે, જેના જીવનમાં તરવરાટ છે એ ક્યારે નિષ્ફળ થતો નથી, યાદ રાખજો। સફળતા માટે ઉત્સાહ અનિવાર્ય છે। આ પદયાત્રામાં તમે જે ઉત્સાહ પ્રદર્શિત કર્યો કે મારે બ્રેક મારવી પડે, આગળ ગયા તો ખબરદાર, તયે દોડી દોડી જતા રહેતા। ગઈકાલે ભાયલીમાં આપણું સ્કેજ્યુલ હતું 6 વાગે પહોંચીશું, 4 વાગે પહોંચી ગયા, 1 કલાક વહેલા। આ ઉત્સાહ છે તમારા જીવનમાં, આ ઉત્સાહ કાયમ ટકે એવો સંકલ્પ લઈને જાઓ કે આ ઉત્સાહ આપણા જીવનમાં કાયમ રહે, ક્યાંય નિષ્ફળ ના નીવડીએ, અસફળતા આપણને જોઈને ભાગે એવો ઉત્સાહ તમે તમારા જીવનમાં દાખવો, હંમેશ માટે રાખો। અને જ્યારે પણ તમને ક્યાંય કોઈ કારણવશાત જીવનમાં નિરાશા દેખાય, તમારો ઉત્સાહ ઓછો થતો દેખાય તો દોડતા મડાળમાં આવજો, તમને ફરી ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થશે।
એ જોમ એ જોશ, અને હા જોશ તો બીજી ઘણી જગ્યાએથી મળે છે પાછું, પણ હોશ વાળું જોશ, આપણે એવું જોશ હોય જેમાં હોશ હોય, હોશ વગરના જોશ ને શું કરવાનું, એ તો આપણને ખાડામાં નાખે, પડતી નોત રહે. હોશ અને જોશ પરમગુરુના જ્ઞાનમાંથી, પરમગુરુના સત્સંગમાંથી આપણને હોશ પ્રાપ્ત થાય છે, અને આપણા તીર્થોના દર્શનમાંથી આપણને જોશ પ્રાપ્ત થાય છે. હોશ અને જોશ લઈને જવાનું છે. એની સાથે એક વાત ખાસ, પરમ ગુરુએ અમરદાડમને આશીર્વાદ આપ્યા, અમરદાડમ અમર કરી આપણા બધાના માટે મનોરથ પૂર્ણિનું સ્થાન બનાવ્યું, મનોરથ પૂર્ણતાનું સ્થાન બનાવ્યું, પણ સાથે એક પ્રેરણા આપી કે વૃક્ષ મનુષ્ય માટે, સારી જીવ સૃષ્ટિ માટે કુદરતે એક અગત્યનું અંગ બનાવ્યું છે અને એનું જતન કરવું જોઈએ. આપજી અમર બનાવ્યું ને કે જો વૃક્ષ નાશ ના થાય, આ દાડમનો નાશ ના થાય, અમર રહે. પર્યાવરણ માટે આપણને સાંકેતિક રીતે વૃક્ષની અનિવાર્યતા પણ સમજાઈ છે. હમણાં હું વિદેશ જઈને આવ્યો તો તમે બે ચાર લોકોએ મને દાડમનો જ્યુસ લેશો, બે ચાર પાંચ આઈટમો પેશ કરી દાડમ નહીં. ના કહો દાડમ દાડમ દાડમ, અમારી યાત્રા છે તો તમે સાંભળી નહીં લાવતા ને. તો કે ના, હમણાં અહીંયા રિસર્ચ થયું છે કે મોસ્ટ હેલ્ધી ફ્રૂટ ઇઝ દાડમ, અનાર. એ શરીરને ખૂબ ફાયદો કરે છે, ખૂબ લાભ કરે છે. અમેરિકામાં દાડમના અનેક પ્રકારના પીણા બનીને વેચાય છે, આરોગ્ય રીતે પણ. અમારી ઈચ્છાથી અહીંયા દાડમનો પ્રસાદ વેચવાની પણ શક્ય ના બન્યું, કારણ કે આપણી દાડમ તો સિઝન બારે માસની હોય છે, પણ બાકીની દાડમને બારે માસની સિઝન નથી હોતી ને. જયેશભાઈ બહુ માર્કેટ ફેંદી નાખી વડોદરાની કે ભાઈ આવે તો કે ઉડી પછી આવે. અમને કહું ઉડી પછી ને, અમારે કઈ ઉડી કરવી છે? નથી છે કે બધા દાડમનો બાપજીને ધરાવીને દાડમનો પ્રસાદ લઈને જાય. ગઈ વખતે આપણે વ્યવસ્થા રાખી હતી, પણ ગઈ વખતે ચૈત્ર સુદ પૂર્ણિમા હતી, એ વખતે દાડમની સિઝન હતી. તો આ બહુ જ ઉત્સાહવાળી યાત્રા, અને એમાં સૌથી તો જે બધા ભક્તજનોએ અમારી યાત્રીઓની સેવા અને સ્વાગત કર્યું છે, એમની બધાને અમે યાદ ન કરીએ તો નુગળા ગણાઈએ. બધાના નામ નહીં ગણાવું, પણ બહુ શરૂથી, વિશેષ જો કે અમારા આ કાર્યક્રમો, ખાસ કાર્યક્રમ પાછળ સંકલ્પ ઉભો કરનારા અમારા ફાર્મસી કોલેજના ડાયરેક્ટર પ્રિન્સિપાલ ભગીરથભાઈ, એમનો ભગીરથ પુરુષાર્થ છે, અને એમની સાથે કુમારભાઈ, કુમારભાઈ પણ ઉજાગરા કર્યા છે. જ્યારથી એક પ્રવાસ નક્કી થયો ત્યારથી જમભીન બેઠા નથી, ખૂબ મહેનત કરી છે. અન્ય અમારા મંદિરનો સ્ટાફ બધોય, અને સાથે સ્વયંસેવકો, આટલું બધું લિસ્ટ બનાવવું ને વેરીફાઈ કરવું, કેટલાકને તો ફોટા જોઈ છે ને કંઈક તમે ઉંમર ખોટી લખી છે.
તો ચકાસણી તો કરવી પડે ને. એ બધાએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી છે. જ્યાં જ્યાં આવ્યા ત્યાં લોકો નાસ્તાની વ્યવસ્થા, ચા પાણીની વ્યવસ્થા, આઈસ્ક્રીમની વ્યવસ્થા, ભોજનની વ્યવસ્થા, બપોરના ભોજનની વ્યવસ્થા, નિવાસની વ્યવસ્થા. બપોરે વિશેષ અમારે અંકોડિયામાં ઘનશ્યામભાઈએ બહુ સુંદર વ્યવસ્થા કરી. ભાયલીમાં તો જાણે કંઈ કહેવાનું બાકી જ નથી રાખ્યું, એટલી સરસ વ્યવસ્થા કરી. અમારા કેટલા મને કહેવાયા, હા ભાયલીવાળા હોય તો ધ્યાન રાખજો, સાંભળી લેજો. અમારા સ્વયંસેવક કેટલા કહેવાય કે ફરી યાત્રા રાખો ને તારો અહીં જ રાખજો, કે બહુ સારું છે. મેં કહું સારું વિચારીશું. કેટલાક પૂછતા હતા મને કે અમે રહી ગયા યાત્રામાં, સંખ્યા થઈ ગઈ એટલે ના આવી શક્યા, ઉંમર વધી ગઈ એટલે ના આવી શક્યા. બીજી એક આપણે પરમગુરુ પ્રગટ ભૂમિની આવી જ પગપાળા યાત્રા ગોઠવીએ છીએ, અને એમાં સંખ્યાની લિમિટ નહીં અને ઉંમરની લિમિટ નહીં. કોઈને થ્રેસરમાં આવવું હોય તોય આવજો, વ્હીલચેર લઈને આવવું હોય તોય આવજો. એમાં ઉંમરનો પણ લિમિટ નહીં રાખીએ અને સંખ્યાની પણ લિમિટ નહીં રાખીએ. 15,000 હશે તોય ચાલશે, 20,000 હશે તોય ચાલશે. હું તો કોઈ એટલા થાય કે એક છેડું બાલક્યુર પોકે ને એક સાર સામે હોય. એટલે કોઈ રહી ગયાની ફરિયાદ ના કરે. એક બહુ પરમગુરુની ભક્તિ કરી હોય અને આ જન્મે જ મોક્ષ મળવાનો હોય પણ પગપાળા યાત્રામાં ન ગયો એટલી વાસના પૂરતું એને પાછું જન્મવું પડે, એના કરતા એ કામ કરી નાખીએ. આરતી કરી લઈએ આપણે, કાર્યક્રમે પૂર્ણાહુતિની આરતી કરવી જોઈએ. એ આરતી ન થાય તો કાર્ય અપૂર્ણ ગણાય. જય કરુણાનિધિ પ્રભુ, જય કરુણાનિધિ. આરતી આરત પૂર્વક સુરતા કરલીધિ. અમર દાડમ મહાતીર્થ કા આયોજન પક્ષ અત્યંત પ્રભાવી રહા. લગભગ 2,500 યાત્રીઓ કી સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા હી ઇસ યાત્રા કા સબસે બડા પક્ષ થા. સહરસાપુરી સે આરંભ હુઈ યે 60 કિલોમીટર કી પેદલ તીર્થ યાત્રા ફરવરી માસ મે આયોજિત હુઈ થી. જ્ઞાન સંપ્રદાય કે સ્વયં સેવકો પર પરમ પૂજ્ય ગુરુજી કે સંસ્કારો કા પ્રભાવ પૂરી યાત્રા મે સેવા કાર્યો કે દ્વારા પ્રગટ હોતા રહા. सेवा की उत्कृष्ट भावना पूरी यात्रा में अनेकों रूपों में दिखती रही. हजारों तीर्थयात्रियों की प्यास बुझाने हेतु जहां जहां से यात्रा गुजरती रही वहां वहां पर पीने के पानी का पूर्ण प्रबंध पूरे श्रद्धा भाव से स्वयं सेवकों द्वारा किया जाता रहा. यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर ज्ञान संप्रदाय के भक्तों के द्वारा तीर्थयात्रियों हेतु स्वादिष्ट भोजन की सुंदर व्यवस्था मुख्य आकर्षण रही. वहीं दूसरी ओर सतकैवल आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा समर्पण भाव से पदयात्रियों को आ रही परेशानियों का निदान किया गया. इन पदयात्रियों के आवास एवं भोजन व्यवस्था के साथ साथ उनकी देखरेख की जिम्मेदारी को भी ज्ञान संप्रदाय के भक्तों एवं स्वयं सेवकों ने बड़े ही अनुशासित ढंग से निभाया. इतनी लंबी पदयात्रा के कारण ट्रैफिक एवं सड़क पर चलने वाले आम जनों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसलिए स्वयं सेवकों ने जिन मार्गों से ये यात्रा निकलती रही वहां की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से नियंत्रित किया. परम पूज्य गुरुजी आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की ये वैज्ञानिक सोच थी कि
कि जिन मार्गों से ये यात्रा निकलेगी उन मार्गों अथवा क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा अथवा गंदगी ना हो, इसलिए यात्रा के पीछे पीछे स्वयं सेवकों का एक दल चल रहा था जो पीने के पानी की खाली हुई प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा कर रहा था। स्वयं सेवकों की ये सेवा भावना ये संदेश दे रही थी कि ज्ञान संप्रदाय के स्वयं सेवक पर्यावरण के प्रति भी सचेत हैं। और फिर ज्ञान संप्रदाय के महातीर्थ अमर ताड़म की इस पद यात्रा का समापन हुआ। परंतु भक्तों के मन में ये यात्रा जीवन भर जारी रहेगी। उन्हें याद रहेगा कि इस पद यात्रा में गांव गांव में हर्षोल्लास से उनका स्वागत होता रहा था। भजन कीर्तन की धुनें वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। शरीर पर थकान का कोई असर नहीं था। पटाखों की ध्वनियां और फूलों की वर्षा के साथ परम पूज्य गुरुजी आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज का ये कारवां एक गांव से दूसरे गांव पहुंचता रहा। पद यात्रियों की सेवा में तत्पर ज्ञान संप्रदाय के भक्त अपने गुरुदेव का स्वागत करके उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगाकर यही अनुभव करते रहे कि परम गुरु ने उन्हें फिर से दर्शन दिए, परम गुरु फिर से उनके गांव में पधारे। पूरी यात्रा में परम पूज्य गुरुजी के साथ चलते भालचंद आशीर्वाद की मुद्रा में रहे तथा जनमानस को आह्लादित करते रहे। इस यात्रा में इन पदयात्रियों के साथ हम भी परम पूज्य गुरुजी के साथ चले और हमें भी इस निराले व्यक्तित्व के विश्व संत का ये अनुपम प्रयास जीवन भर याद रहेगा। याद रहेगी इस निराले संत की श्वेत चिंतन की ऊंचाई, शिखर सा विश्वास, कैलाश सी स्थिरता, जनमानस को जागरूक करने वाली धीर गंभीर वाणी जिसमें निहित है स्नेह, त्याग और तप, और क्षमता है धर्म के गूढ़ रहस्यों को सरल सहज ढंग से निरूपण करने की। चित अब शांत होने लगा है, अनुभूति होने लगी है अखंड आनंद की। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई बल्कि वो तो अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि चलते रहना ही जीवन का क्रम है। सत कैवल्य साहेब।